हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एवन ई स्टार के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है। क्या रहेगी इसकी प्राइस, क्या इसके साथ आपको लाइसेंस बनवाना होगा, इंश्योरेंस करवाना होगा, इसकी ऑल स्पेसिफिकेशन मैं आपको आज बताने वाला हूं। यदि फ्रेंड आप अपने रिलेशनशिप फ्रेंड्स, यदि आप किसी को एवन ई स्टार के बारे में अपना नॉलेज शेयर करेंगे, तो वो आपको एक शाबाश कहेंगे कि वाह यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। इस तरीके से आप इस वीडियो को बिल्कुल भी दोस्तों मिस मत करना। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए माय हाईटेक मस्ती को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ एवन ई स्टार के बारे में, तो इसकी प्राइस को लेके, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही खास प्राइस रखी गई है। यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यह प्राइस आपके लिए एक सूटेबल प्राइस है, जो कि 24,500 रुपये एक मिनिमम प्राइस है। आप इसको ईएमआई के तहत भी परचेस करेंगे, तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी आराम से परचेस कर पाएंगे। बहुत ही लाजवाब इलेक्ट्रिक स्कूटी मैंने देखी है। यदि आप पर डे 30-40 किलोमीटर आपको चलना है, तो एवन ई स्टार आपके लिए बहुत ही खास इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि इसकी प्राइस है 24,500 रुपए। बात करना चाहूं फ्रंट ब्रेक की, तो इसके साथ आपको फ्रंट में ब्रेक देखने को मिलेगा, ड्रम ब्रेक सिस्टम। स्टार्टिंग की मैं बात करना चाहूं, तो ये सेल्फ स्टार्टेड ओनली, इसको आप सिर्फ ये सेल्फ से ही स्टार्ट हो पाएगी। बात करना चाहूं मैं व्हील टाइप की, तो इसके साथ आपको मिलेंगे अलॉय व्हील, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी को एक अच्छा लुक बनाने में काफी हेल्पफुल होंगे। बात करना चाहूं मैं टायर की, इसके साथ आपको ट्यूब एंड टायर मिलेंगे। बात करना चाहूं मैं स्टैंडर्ड वारंटी की, तो स्टैंडर्ड वारंटी फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको स्टैंडर्ड वारंटी पता नहीं होगी, तो आपके साथ कुछ ना कुछ समस्या का सामना जरूर करना पड़ेगा, तो माफ करना चाहूंगा दोस्तों, इसमें यह थोड़ी सी कमी कर सकता हूं मैं इसको। स्टैंडर्ड वारंटी आपको इसके साथ बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। बात करना चाहूं मैं माइलेज के बारे में या रेंज के बारे में, तो इसका माइलेज या रेंज कोई फिक्स नहीं है, यह आपके चलाने के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कितना चला पा रहे हो। यदि आप फुल लोडेड के साथ इसको ड्राइव करवाओगे, तो यह मिनिमम बहुत कम ज्यादा रेंज निकालेगा। बात करना चाहूं मैं लाइसेंस की, तो इसके साथ आपको कोई भी लाइसेंस नहीं बनवाना होगा, आप बिना लाइसेंस से इसको ड्राइव करवा पाएंगे। बात करना चाहूं मैं मोटर की, तो इसके साथ आपको मोटर देखने को मिलेगी, नॉर्मल मोटर आपको इसके साथ देखने को मिलेगी। बात करना चाहूं मैं डिस्प्ले की, तो इसके साथ आपको एक नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। बैटरी की मैं बात करना चाहूं, तो इसके साथ आपको लीड एसिड बैटरी देखने को मिलेगी। बात करना चाहूं इसके कलर वेरियंट की, आप इसको कौन कौन से कलर में पसंद करेंगे, तो इसके साथ आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में कलर देखने को मिलता है, तो रेड कलर में मिल जाएगी आपको, व्हाइट में मिल जाएगी, सिल्वर में मिल जाएगी, या कहूं 3 से 4 कलर में आपको यह आराम से मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।